आज हमारे समय में वो हो रहा है जो पहले कभी भी कलीसिया इतिहास के अंदर नहीं हुआ है। और मेरे प्रिय, बाइबल के अंदर यर्मिया भविष्यवक्ता ने इस बात की भविष्यवाणी करी थी। एक अंतिम भविष्यवाणी आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। और यर्मिया भविष्यवक्ता जो था, उसने इस बात की पहले से ही भविष्यवाणी करी थी जो आज हमारे समय में आकर के एक चिन्ह के रूप में पूरी हुई है। जब रोमन सेना ने यरूशलेम का विनाश किया और परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने ढा दिया, और रोमन सम्राट कैसर ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी यहूदी ना तो यरूशलेम के अंदर रह सकता है और ना इसराइल देश के अंदर रह सकता है, और उन्होंने पूरी तरह से यहूदियों का यरूशलेम में आना वर्जित कर दिया था। सिर्फ साल में एक दिन, जिस दिन रोमन सेना ने परमेश्वर के मंदिर का विनाश किया था, केवल साल में उस दिन यहूदियों को अनुमति दी जाती थी कि वो जैतून पर्वत तक आ सकते हैं, अपने मंदिर की दशा देख करके विलाप करने के लिए वहां पर आ सकते हैं कि उन्होंने रोमन साम्राज्य से टकराने की जरूरत की थी। और सालों सालों के बाद जब यहूदी लोग उस काली तारीख पर, दो यहूदी रब्बी जो थे, जब वो जैतून पर्वत तक पहुंचे मंदिर के लिए विलाप करने, और उन दोनों रब्बियों ने देखा कि मोरिया पर्वत, यानी जिस पर्वत पर परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था, वो पूरा पर्वत जो था वो उजाड़ पड़ा हुआ था। और जब दोनों रब्बियों ने देखा कि मोरिया पर्वत उजाड़ पड़ा हुआ है, और उन्होंने देखा कि पूरे मोरिया पर्वत के ऊपर सियार जो है, लोमड़िया जो है, वो मोरिया पर्वत के ऊपर घूम रही है, और वो दोनों ही रब्बी जो थे, उनको यर्मिया की वो भविष्यवाणी याद आई जो यर्मिया ने विलाप गीत के अंदर दी थी। और यर्मिया ने विलाप गीत उसका 5 अध्याय उसके 18वें वचन के अंदर इस बात की भविष्यवाणी करी थी। यर्मिया ने बता दिया था, यर्मिया ने कहा था कि सियोन पर्वत उजाड़ पड़ा हुआ है और उसमें सियार यानी लोमड़िया घूमती है। यर्मिया ने इस बात को बोल दिया था, और जैसे ही उन्होंने मोरिया पर्वत के ऊपर सियारों को, लोमड़ियों को घूमते हुए देखा, तो दोनों रब्बियों में से एक रब्बी जो था, जैसे ही उसने पवित्र स्थान की दशा को देखा, वहां पर सियारों को घूमते हुए देखा, तो उस रब्बी ने अपने कपड़ों को फाड़ा और धूल उठा करके अपने सिर के ऊपर डाली और चिल्ला चिल्ला करके उसने रोना शुरू कर दिया कि पवित्र स्थान का हाल जो है वो वैसा ही हो गया है जैसा यर्मिया ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन जो दूसरा रब्बी जो था, उसने बहुत ध्यान से उन सियारों को, लोमड़ियों को मोरिया पर्वत पर घूमते हुए देखा, और जब उसने उन लोमड़ियों को देखा, तो दूसरा रब्बी जो था, उसने चिल्ला चिल्ला करके हंसना शुरू कर दिया, जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। और ये रब्बी जो नीचे बैठ करके रो रहा था, ये खड़ा हुआ और इसने झिंझोड़ करके उस रब्बी को कहा, तू पागल हो गया है क्या? पवित्र स्थान जो है वो उजाड़ पड़ा हुआ है और उसमें सियार घूम रहे हैं। जो यर्मिया ने कहा वो पूरा हो रहा है और तू हंस रहा है। तो उस दूसरे रब्बी ने उस रब्बी से कहा कि जब यर्मिया ने कहा था कि पवित्र स्थान उजाड़ हो जाएगा और उसमें सियार घूमेंगे, और जब वो भविष्यवाणी पूरी हो गई, तो यर्मिया ने तो ये भविष्यवाणी भी की थी कि एक दिन परमेश्वर यहूदियों को वापस इसराइल में लेकर के आएगा और सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के बीचों बीच वास करेगा। और उस दूसरे रब्बी ने कहा कि जब यर्मिया की यह भविष्यवाणी पूरी हुई है, तो यर्मिया की दूसरी भविष्यवाणी भी जरूर से पूरी होगी। एक दिन यहूदी वापस से अपने देश में लौटेंगे। और मेरे प्रियो, आपको जानकर के हैरानी होगी कि जैसा उन दोनों रब्बियों ने देखा था,
2000 साल पहले वैसे ही अगस्त के महीने 2019 में, 2019 में अगस्त के महीने के अंदर वापिस से मोरिया पर्वत के ऊपर सियार जो है, लोमड़िया जो है वो वहां पर खेलती हुई घूमती हुई यहूदियों को दिखाई दी। और जैसे ही लोमड़ियों को, सियारों को मोरिया पर्वत की सीढ़ियों के ऊपर यहूदियों ने खेलते हुए घूमते हुए देखा, वैसे ही यहूदियों के अंदर आनंद मनाया जाना जो है वो शुरू हो गया। कि जो चेन यर्मिया ने बताया था कि सियोन के अंदर ऐसा होगा, वो चिन्ह जो है वो एक बार फिर से अब प्रकट हो गया है। वो बाइबल का चिन्ह जो यर्मिया ने बताया था, वो चिन्ह जो है वो आज प्रकट हो गया है। और यहूदी लोग जो है वो आनंद से भर गए, और जितने भी यहूदी लोग थे उसी दिन शाम को वो परमेश्वर के मंदिर की दीवार के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके मसीह के गीतों को गाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस बात को माना कि जो यर्मिया ने कहा था वो एक बार फिर से परमेश्वर ने दिखा दिया है कि सियोन पर्वत उजाड़ पड़ा है और उसमें सियार घूमते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि अब राजा मसीह जो है उस उजाड़ सियोन पर्वत को वापिस से परमेश्वर की महिमा से भर देने के लिए यरूशलेम के अंदर आ रहा है। उन्होंने गीतों को गाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। आज हमारे समय में बाइबल की छोटी छोटी भविष्यवाणियां भी पूरी हो रही हैं, और इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि यदि आपका कॉमन सेंस जगा हुआ है, यदि आप होशो हवास में हैं, तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि वास्तव में आज कुछ अद्भुत हो रहा है जो कलीसिया इतिहास में पहले कभी भी देखने को नहीं मिला है, देखने को नहीं मिला है।